तो गाइस स्टंबल गाइस का एक नया इवेंट चालू हो चुका है जिसका नाम है बैटल ऑफ द बनाना इस इवेंट। और यहाँ पर भाई इसके अंदर टोटल हम लोगों ने 2190 बैचेस इसमें जमा करने हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आज ना इसके अंदर मैं टोटल अपने 1100 बैच जमा करूंगा और फिर कल की वीडियो में टोटल 1100 बैच जमा करके भाई पूरा इवेंट खत्म कर दूंगा 2 दिन में। तो यहाँ पर देखते हैं मुझे आज 1100 बैच जमा करने के लिए कितने मैच खेलने पड़ते हैं इसके अंदर। अभी एकदम आराम से बस खेल कर बचना और जीतना इसके अंदर मुझे। और ये गाड़ी वाले से भी बचना है मेरे को भाई, बेचारे को मैंने पिछले राउंड में पंच मार दिया था, मैं मेरे पीछे पड़ गया वो। मैं वैसे मैंने पंच उसको जानबूझ के मारा था, ऐसा नहीं कि गलती से लग गया था, मैंने जानबूझ के मारा था, लेकिन भाई मुझे लग रहा था उसके बाद पंच वंच कुछ है नहीं, तो मैंने उंगली करने के लिए देखो पेटी फेंक के मार रहा हूँ भाई। मैं मेरे को ही मार रहा है, देखा मेरे को मारेगा घूम फिर के आगे ये तो मुझे ना। अरे गिरा 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 और बच गया यार, बच गया यार, ऑलमोस्ट बाहर गया था, मतलब गिरना आ रहा था वो। और है ना भाई ये मैप के अंदर मुझे जितनी भी गाड़ी ना सबसे गाड़ी से बचना है। और ये बनाने स्किन वाला भी गाड़ी भी भाग रहा है वो, तो मतलब भाई जितनी भी गाड़ी वाली स्किन वाले सबसे मेरे को बचना है इसमें भी। और एकदम आराम से भाई बचते हुए खेलूंगा मैं। और यहाँ पर भाई बचा 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 भागो यहाँ से ऊपर की तरफ। और अब बस एकदम आराम से जो गाड़ी लेके भाई अभी भी घूम रहा हो प्लेयर वहाँ से आ रहा है देखो अपनी कार लेकर पड़ी उसके वहाँ पर, लेकिन बच जाएगा वो, पता नहीं बचेगा गिरेगा। यहाँ पर आराम से भाई खेलना मेरे को सुकून में। और यहाँ पर भाई गिर गया, भाई गिर गया, गिर गया, गिर चुका है वो। 3 लोग देखो यहाँ पर हो चुका है एलिमिनेट और दिख नहीं रहा मेरे को पूरे मैप में, तो भाई पक्की बात है गिर गया वो। और यहाँ पर अब 4 लोग हो चुके हैं एलिमिनेट भाई, 3 लोग बाकी बस गिरने के लिए, 3 लोग भाई गिरता हूँ फटाफट से यार, फटाफट से। यहाँ पर नहीं बचा बचा बचा, क्या बुरा मारा भाई मुझे। और मेरा प्लेयर फटाफट से खड़ा क्यों होता है इसके अंदर यार, लोग क्या लोगों दो पड़ते लोग झटके में खड़े होते हैं। यहाँ पर भाई जीत भी गए। और अब यहाँ पर भाई और गिर गया, चलो गिर गया उस तरफ कोने में, वो आ रहा था पंच मारने गिर गया। अच्छा हुआ यहाँ पर कौन आएगा भाई, पंच मार दूंगा यार, बच गया फिर वो, फिर बच गया भाई ये, सबको तो पंच मार के रहूँगा इसके अंदर मैं। और यहाँ पर बहुत मेरे को जान जल रही है यार, पंच नहीं लग रहा भाई मेरा उसको, इतना शरीर बन के क्यों रहा भाई तू, मारना पंच, पंच क्यों मार रहा अभी भैया, पेटी फेंक दिया उसने, पेटी फेंक के मार दिया मेरे को, बचना पड़ेगा बचना पड़ेगा। ऊपर आजा भाई ऊपर आजा ऊपर आजा, देखो गायब होकर भाग गया उस तरफ। यहाँ पर भाई ये पंच कैसे नहीं लगा भाई, ये पंच कैसे नहीं लगा, इतना अच्छा पंच मारा चिपक के। अभी एक और पंच यहाँ पर यार, बच गए बच गए लोग, दोनों बच गए, दोनों बच गए। देखो पेटी फेंक रहा भाई, तो पहले इसको मारूंगा को, पहले इसको मारो यहाँ पर, इसको मार के गिरा एकदम गिरा, अभी गिरा नहीं यार, गिरा नहीं वो, इन लोगों को पंच नहीं मारूंगा ठीक है, लोगों को पंच नहीं मारूंगा। और वो अच्छे से खेल रहा है यार वो प्लेयर, तो मैं फालतू उसको पंच मार रहा था अपने वो मेगा टन स्किन वाले को। और आ रहे देखो पंच मार दो उसको भी वहाँ पर, अभी यार ये टोंट मार के बच जा रहा है भाई, ये टोंट मार के बच जा रहा है यार, ये एक अच्छा पंच लगे ना उसको, गिरा नीचे भाई सुकून मिल जाएगा एकदम, लेकिन वो पंच ही नहीं लग रहा। और यहाँ पर देखो आ गया वो, आ गया कूद कूद कर टोंट मार मार के बच रहा है बस, आ जाओ इस तरफ इस तरफ। और यहाँ पर गिर गया भाई, टोंट क्यों मारा उसने, वो फालतू यहाँ पर टोंट मारा, पहुंच गया तो टोंट नहीं मारना चाहिए यहाँ पर। चलो मैं जीत गया अपना भाई, एक मैच जीत गया अपने यहाँ पर। और आप देखते हैं भाई ये मैच कितना लंबा चलेगा यहाँ पर, ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए यार, 1-2 मिनट में खत्म होगा अच्छा रहेगा, 3-4 मिनट चलता है कभी कभी ये मैप। वैसे सब अगर नए प्लेयर होंगे ना तो एकदम आराम से मैं खेल के जीतूंगा। और अभी जो इवेंट आने लगे ना लोग, तो भाई इससे ना और प्लेयर और बढ़ गया शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना बीच में ऐसा हो गया था कि इंडिया सर्वर पे कोई खेलता नहीं था, इंडिया सर्वर पे सब बॉट आते थे बीच में, लेकिन लेकिन अभी ना यहाँ पर भाई प्लेयर आने लगे, देखो लोग अच्छी अच्छी स्किन भी लेकर आ रहे हैं इसके अंदर, जैसे देखो अल्ट्रा का हो गया, ये स्मैश क्लब की स्किन हो गया। और यहाँ पर एक बात देखो एंटी डैशर की स्किन, यहाँ पर भाई सही स्किन है, तो ये स्किन चाहिए भाई मेरे को एंटी डैशर वाली, वैसे अनलॉक कर ही लूँगा भाई मैं, एकदम आराम से जमा कर रहा हूँ अपने सारे सारे मतलब पूरे सुपर टोकन। और 2 लोग यहाँ पर गिरे हैं, 5 लोग गिरना बाकी है। देखो इसके अंदर है ना मतलब जो बॉम्बार्डमेंट वाला मैप आता है उसमें और लावा लैंड में ना मेरे को पंच मारने का मन करता सबको, क्योंकि ना ये सब मैप के अंदर ना भाई मेरे को डर लगता है कि कहीं मैं गिरना था। और यहाँ पर बनाना फिर फेंक के मारा उसने मेरे को, या हवा में फेंक के मारा लग भी गया मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर चलो आगे इसके ऊपर से आगे की तरफ एकदम आराम से भाई, चलो आगे इसके ऊपर भी, चलो भाई पहुँच जाऊँगा आगे की तरफ एकदम आराम से। और यहाँ पर अबे अबे नीचे को धकेला इसने, नीचे को धक्का दिया भाई, ये क्या भाई नीचे को धकेल दिया इसने यार, मैं इतना ऊपर से निकल रहा था कि 2 बार लगातार भाई ऊपर से निकला सेम सेम चीज करके, इस बार भाई पता नहीं क्यों नीचे फेंक दिया उसने मेरे को यार। आ जाओ इसके ऊपर एकदम आराम से भाई, गिरना मत नीचे, बच गया बच गया, आराम आराम से खेलेंगे। यहाँ पर बिस्किट टाइम खराब कर देता हूँ, वहाँ पर भाग रहा वो, अगर वो गिर जाएगा भाई मजा आ जाएगा, अगर गिर गया तो वो, और गिर गया भाई, गिर गया गिर गया गिर गया भाई, पूरा माला अपने लिए है, लेकिन नीचे कोई है कि नहीं, अबे नीचे 2 ही लोग हैं। और यहाँ पर 4 लोग जिंदा है, तो भाई मतलब 2 लोग ऊपर है शायद, 2 लोग ऊपर है शायद। और यहाँ पर आ गया यार परेशान करने मेरे को डीनो, डीनो बॉक्सर, ये तो पंच मारूंगा उसको, भी मार दिया उसको पंच मार दिया मैंने, नाक में दम कर दिया था भाई मेरे 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 ऊपर, इसने पीछे पड़ा था कब से ऊपर वाले टाइल पे, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको मार के गिरा दिया अभी। और बस मेरे को यहाँ पर आराम से खेलना भाई, एकदम आराम आराम से खेलना, यहाँ पर हारने का चांस है ही नहीं, अपने हाथ का मैच है ये, 3 के 3 लोग नीचे भाग रहे, टोटल 4 लोग गिर चुके हैं, और ये 3 लोग गिरेंगे तो भाई मैच जीत जाऊंगा अपना मैच यहाँ पर। और दोनों देखो कोने में भाग रहे उस तरफ दोनों, और अब तो भाई पक्का अपने मैच में, हाँ भाई यहाँ पर आ गए, इस तरफ आ सकते थे, मुझे लगा रास्ता नहीं यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, एकदम आराम से आराम आराम से खेलूंगा एकदम। आ जाओ उसके ऊपर कूद के एकदम आराम से भाई, 4-5 टाइल बची मेरे पास अभी, और उसके पास भी 4 टाइल बची है। और यहाँ पर अभी क्या हुआ भाई, मैं नीचे गिर गया झटके में, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ उसके ऊपर, और वहाँ पर गिर चुका और मैं जीत गया अपना। चलो भाई यार मैच भी जीत गया आराम से, अब बस यहाँ पर भाई भागने का अकेला ऑप्शन बचा अपने पास, बाकी ना भाई यहाँ पर 2-2 टाइल बचती यहाँ पे, फालतू भाई पीछे फालतू आया मैं पीछे की तरफ फालतू में, और यहाँ पर भाई फायदा हो गया अपने को, और मुझे लग रहा था भाई मैं फालतू पीछे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पर फायदा हो चुका अपने को अभी। बस यहाँ पर अपने को सुकून में ऐसे कूदते हुए खेलना है एकदम आराम आराम से, इसे जंप करते हुए खेलूंगा, अभी तक कोई गिराया है नहीं वैसे। और यहाँ पर आ जाओ आराम से नीचे की तरफ, और यहाँ पर ये बग होना जरूरी है भाई कसम से यार,
जितनी वीडियो बनाता हूँ अगर हनी ड्रॉप आता ना दो से तीन बार, एक ना एक बार तो भाई ऐसा बग होना जरूरी मेरे साथ। यहाँ पर इतना बेकार बग यार, ये बहुत बेकार बग यार, लोग फिक्स ही नहीं कर रहे, वो नहीं समझ रहा मुझे। इतना अच्छा भाई मैं भागता ऊपर ही टाइल यूज़ करता यार, देखो पूरी पूरा गेम मेरा खराब हो गया यहाँ पर यार, पूरा गेम मेरा खराब हो गया। इसके अंदर मेरा पंच भी नहीं लगा उसको, पूरा गेम यहाँ पर हार जाऊँगा अब तो भाई, पक्का हारूँगा यहाँ पर, जीतने का चांस ही नहीं है। इतना अच्छा भाई खेल खेल गया भाई, बग हारा बग भाई पूरा गेम खराब कर देता अपना। यहाँ पर भाई इसको पंच मारना पड़ेगा, ये पंच लगता नहीं भाई मेरा पंच, भाई मैं गलत मारता हूँ बहुत पंच यार, अपना गेम खराब कर देता हूँ। वैसे तो मैं अपना गेम खराब नहीं करा इसके अंदर, इसने खुद ने खराब कर दिया यार, ये तो पक्का हार गया मैं, ये तो पक्का हार गया। क्या ही कर लूँगा भाई, दो टाइल पे क्या ही कर लूँगा। यहाँ पर कूद के भाई किक मार के जाओ आगे, और यहाँ पर गिर गया भाई, जीत गया भाई, कैसे ये कैसे जीता मैं, ऊपर कितने लोग गिर गए थे नीचे भाई, मुझे लगा एक प्लेयर रहेगा अभी भी ऊपर। यहाँ पर चलो भाई मैं जीत गया, लेकिन कैसे जीता भाई यकीन नहीं हो रहा भाई, मैं इतना बेकार मैच जीत गया रही। तो भाई बस कोई झटके में पंच ना मारते इसके अंदर, वही बात का डर लगता है मेरे को। अभी सब लोग खेल रहे अच्छे से, कोई कुछ उंगली नहीं कर रहा, बस यहाँ पर मेरे को बच के खेलना। और यहाँ पर भाई आ जाओ उसके ऊपर एकदम आराम से, भाई मेरे को पंच मारने का दिल बोल रहा है, कूद का डायरेक्ट पंच मारना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। लेकिन यहाँ पर भाई क्यों पता नहीं मेरा पंच मारने मन करता है इस मैप के अंदर, मैं ना ऐसा डर के मतलब डर लगता है ये मैप में कि कहीं कोई झटके में पंच ना मार दे पीछे जाके, क्योंकि भाई पूरा गेम खराब होता है फिर। और ये मैप के अंदर है ना बहुत पहले, जब से ये मैप आया तब से एक ये मैप के अंदर एक बग है कि अगर कोई पंच मारेगा ना तो अपना प्लेयर पहले रेंगता है खड़े रहेगा, फिर मतलब बाद में बहुत देर के बाद खड़ा होता है, वो पहले हवा में रेंगेगा ये सब करेगा फिर खड़ा होएगा। तो भाई बहुत बेकार बग है वो गेम का, और लोग उसको फिक्स भी नहीं कर रहे और ना ही कोई रिपोर्ट मारता है उस बग को, क्योंकि सबको लगता है वो मतलब फीचर है ये मैप का, कोई बग नहीं, सबको ऐसा लग रहा है क्योंकि भाई पहले से वो और वहाँ पर फंस चुके हैं दोनों। और यहाँ पर भाई कूद के आ गया वो, और इतना लंबा कूद सकते हैं अपन भाई, पता नहीं कैसे कूद गया वो, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर आ गए हम लोग इसके ऊपर, और अब वहाँ पर कूदना पड़ेगा भाई, क्या बेकार तरीके से टाइल निकलती भाई ये मैप के अंदर तो। अरे भाई ये देखो क्या बुरा गिरा है भाई, क्या बुरा गिरा, वहाँ पर चलते अभी आगे, और भाई पूरा गेम मेरा खराब हो गया यहाँ पर भाई। कितना भाई कौन निकालता भाई फ्लोर यहाँ पर से ऊपर से नीचे, इतना अच्छा भाई सबके पास निकालो ना एक एक फ्लोर भाई कम से कम यार, कितना बेकार निकलता भाई फ्लोर इसमें, एकदम निकलता भाई निकलता ऐसे, भागो यहाँ से चुपचाप, सब लोग यहीं पर भाग रहे हैं के साथ में एकदम आराम से भाई, इसे कूदते हुए निकलेंगे यहाँ पर, आ जाओ चुपचाप इस तरफ, और भागना पड़ेगा भाई पीछे की तरफ यार, गिर गया नीचे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी भी चांस है अपना अच्छा गेम बनाने का। वैसे ऊपर तो लोग गिरेंगे क्योंकि सब लोग साथ में भाग रहे हो सिर्फ। और यहाँ पर ये क्या था भाई, ये क्या था भाई, मुझे लगा मैं टाइल छू गया, मैंने जंप दबा दिया वहाँ पर एक और बार, ये तो भाई जमीन के नीचे जाकर डाइव मार के कूदा उस तरफ यार, ऐसा लगा जानबूझकर डाइव मारा इसने यहाँ पर, ऐसा लग रहा है इसका मन करता डाइव मारने का इसलिए इसने डाइव करा है। वैसे तो भाई मैं पूरा टाइल टच कर लिया था वहाँ पर, मैंने टाइल टच करने के बाद मैंने जंप दबाया हूँ, ये भाई साहब टाइल के आर पार होकर डाइव मार के कूद गया भाई उस तरफ, ये क्या फालतू चीज़ है यार, ये तो अब तो पक्का हारूंगा मैं। इतना अच्छा भाई इतनी अच्छी टाइल मिली थी ऊपर, रास्ता मिला था ऊपर का, लेकिन यहाँ पर भाई अभी चांस है अपने पास, अभी भी चांस है यहाँ पर अपने पास, पंच तो लगना है नहीं पक्का यकीन था मुझे, लेकिन यहाँ पर भाई अभी भी चांस है अपने पास। यहाँ पर बॉल इमोट मार के पहुँच सकता हूँ सिर्फ मैं, बॉल इमोट अगर मार दूंगा ना तो पहुँच जाऊँगा सिर्फ मैं। और लेकिन यहाँ पर भाई जगह भी मिलनी चाहिए ना यार, जगह भी मिलनी चाहिए, यहाँ पर जगह थी नहीं अच्छी खासी यार, हार गया भाई हार गया यार, वो बग क्यों हुआ भाई मेरे साथ वहाँ पर यार, हट यार, इतना अच्छा भाई जीत सकता था मैच में। अबे गिरना मत भाई गिरना मत, गिर चलो बच गया भाई, फिर मार दिया उसने यार भाई, बचा यार, ये पंच मारना गया अलग से, मतलब सब लोग मार ही रहे ये भी अलग से मजे ले रहे मेरे एकदम, देखो इसको मारना पड़ेगा रुको अभी, मतलब मार तो पाऊंगा नहीं फिर भी कोशिश करेंगे अपन अपनी। यहाँ पर भाई पहले मेरे को अपना ध्यान देना पड़ेगा यार, मेरे को इतनी पड़ी जा रही है हर तरफ से, देखो ये क्या करना क्या चाह रहा भाई ये प्लेयर, मतलब ये मेरे को देख रहा मार खाते हुए फिर मेरे को आ रहा पंच मारने के लिए, वो सबको छोड़ के मेरे को पंच मारना रहा, देखो ये क्या बेकार है भाई ये तो। और ये गाड़ी भी मेरे को मार रही घूम फिर के, और अच्छी बात यहाँ पर निंजा भाई बच गया, बच गया मैं भी यहाँ पर बचा था वो भी वहाँ पर बच गया भाई, मार के गिरा उसको निंजा को, पंच मारा है पहले अच्छे से, मतलब बाद में क्या अभी डैप करते हुए दिखा रहा हूँ, फालतू हीरो बन के दिखा रहा भाई वो तो। और तीन लोग यहाँ पर भाई बच गया, और नाम भी उसने लिखा नहीं अपना पूरा, बस प्लेयर जैसा नाम लिखा उसने अपना। और ये ना भाई मुझे लग रहा है लोग ना मोड एपी यूज़ करते हैं ना लोग, ये कि मतलब अपना नाम नहीं डालते असली वाला। और यहाँ पर पाँच लोग अभी गिर चुके हैं, दो लोग गिरना बाकी है, और छः लोग गिर गए, मेरे को मत गिरना भाई, मेरे को नहीं गिरना, पर बच्चा, चलो बच गया, इतना बुरा पड़ी मेरे को फिर भी बच गया मैं। और वहाँ पर शैतान को मार दो भाई, शैतान गिर चुका नीचे अभी, और यहाँ पर चलो भाई मैं जीत गया अपने एक और मैच, यहाँ पर ये मैच है भाई कुछ ज़्यादा लंबा चल रहा है पर, अभी तीन लोग गिरना बाकी भाई, कब गिरेंगे पता नहीं वो। और यहाँ पर चलो एक जन गिर चुका शायद, नहीं एक जन गिर गया, चलो एक जन गिर गया, अब बस यहाँ पर दो लोग गिरना बाकी है। और टाइल देखो भाई ऊपर अभी भी इतनी टाइल बाकी इसमें, ये मैच खेलने भाई सही बता रहा हूँ बहुत मजा आती है मैच खेलने में, लेकिन यहाँ पर है ना भाई पूरा टाइमिंग का गेम है ये, कि तुम लोग कितने टाइम में भाग के निकल सकते हो। देखो उस तरफ चढ़ गया वो, और वहाँ से यहाँ पर आ ही नहीं सकता, और मैंने कहा देख के मैं टाइल खाया उसकी, और वो जल्दबाजी में पूरी टाइल छूट गया नीचे, मतलब इस तरफ आ गया भागते में। और अभी तक यहाँ पर वो चलो नीचे गिर गया। और अच्छी बात ये है ना इस मैप की, केस में इन लोगों ने ट्रैम्पोलिन डाल दिया, और यहाँ पर कहाँ पे आ रहा भाई ये, अरे भाई अपना अलग खेल भाई कसम भाई, क्या सामने कूद गया वो, फालतू घुस रहा है पर आगे, इसमें पंच भी नहीं मार सकते, अगर मैं पंच मारूंगा ना तो मतलब इनडायरेक्टली उसी का फायदा होगा। और पेटी भी फेंका उसने वहाँ पर, पेटी फालतू फेंक दिया यहाँ पर, मेरे को सिर्फ आना पड़ा, नहीं तो भाई मैं गिर के हार सकता था वहाँ पर, बीच में खंबा आ गया था इसीलिए। और यहाँ पर चलो एक नंबर, चलो ये टाइल खा ली यहाँ पर अपने लिए, अब अपने को भाई नीचे ट्रैम्पोलिन का यूज़ कर लेना पड़ेगा अपने को यहाँ पर, आ जाओ उड़ी मार के इसके ऊपर भाई, पहुँच जा, अरे पहुँच गया, चलो इसके ऊपर पहुँच गया मैं,
एकदम आराम से जीत गया। चलो भाई एक और मैच यहाँ पर, चलो दो मैच की मेरी स्ट्रीक बनी, स्ट्रीक तो भाई मैं गिन ही नहीं रहा किसी मैच की बनी। यहाँ पर बस मुझे देखना कौन पंच मार रहा है अभी, पंच तो भाई से भी पहले मैं मारूंगा, देखो कोने में भाग कर मेरा मन कर रहा उसको पंच मारने का, लेकिन यहाँ पर भाई पहले देखूंगा कौन मेरे को पंच मार रहा, बाद में उसको मारेंगे फिर। वैसे ना ये मैप में ना दूसरे लोग को देख के पंच मारना बहुत मुश्किल है मैप के अंदर, क्योंकि भाई इस मैप के अंदर पहले अपने सर पे एक कीड़े नाचते रहते हैं यहाँ पर आके। ये गाड़ी से बचो, सबसे बचो, फिर आखिर में प्लेयर से भी बचो, तो बहुत खतरा रहता है मैप के अंदर। और है ना गाड़ी जब लाल कलर की होती है ना सब, तो भाई बहुत मज़ा आता खेलने फिर। और ये मैप है ना, मेरे को लगता है ये मैप है ना इकलौता मैप है जिसमें कोई बग नहीं होता मतलब ज़्यादा, बाकी हर मैप में कोई ना कोई तो बग होता ही होता है, इसमें इतने ज़्यादा बग नहीं होते। बाकी जो टोंट वाला बग है तो हर मैप में होता है, वो तो एकदम नॉर्मल ही है, वो कि टोंट मारते तो बच जाते मतलब गिरते नहीं इधर उधर, तो लोगों गेम वाले को फिक्स करना चाहिए ऐसा कुछ कि मतलब टोंट मारने से भी नहीं बचेगा कोई, टोंट मारो कुछ भी करो भाई अगर तुमको पड़ गए तो तुम गिरोगे ज़रूर वहाँ से। ये तो अलग ही चीज़ करती है मतलब टोंट मार के बच जाते अलग ही, मेरे को समझता नहीं फंक्शन है कैसा गेम का, बाकी जो भी अच्छा भाई देखने मजा आती है उसको। और मैं ट्राई भी करा था बहुत बार, मेरे को खेलने में मजा आती है। और यहाँ पर क्या बच गया भाई, बचा भाई बचा, डाइव मार के बच गया, और यहाँ पर अकेला बचा, अरे बच गया, ये कैसे बचा यहाँ पर, इतना बुरा उसको बाहर फेंका था। और यहाँ पर चलो भाई मैं जीत गया अपना भाई, एक और मैच यहाँ पर जीत गया अपना भाई, लेकिन उसको बाहर फेंका था, बाहर से अंदर आ गया था खुद को, सामने की तरफ से लाना है भाई, एकदम आराम से वो भागता हूँ अभी। और बारहवीं वाला मैप मेरे को पहली बार फाइनल राउंड में आ रहा है, बारहवीं वाला मैप इवेंट के अंदर, ये इवेंट क्या भाई किसके भी अंदर पहली बार आ रहा है मुझे ये फाइनल राउंड में, एकदम आराम से आता। और यहाँ पर भाई एकदम आराम से बस मेरे को गाड़ी अपने वो मतलब सामान पहुँचाना, वहाँ पर गाड़ी बोल रहा था भाई मैं, और यहाँ पर सामान पहुँचा दिया मैंने इसके पास। और अब यहाँ पर देखते हैं भाई आखिरी सामान कौन सा आता है और कौन इसके पास लाके देता है ये सामान, तो मेरा उसका मतलब वन वन होगा वो बंदे के साथ। कौन आ रहा है यहाँ पर भाई, आ चुका है एक प्लेयर, आ चुका है यहाँ पर भागते हुए। अच्छा वो उसके पास नहीं है क्या भाई, कोई तो आओ यार। अच्छा वहाँ से देखो पिसलते आ रहा है वो, और पिसलते हुए यहाँ पर आ चुका है, क्या नाम है भाई इस प्लेयर का, इसके बाद मेरा वन वन मैच होगा अभी यहाँ पर। इस प्लेयर का नाम है यहाँ पर भाई रोहित नाम है इसका, देखते भाई क्या सामान लाना अपने को अभी, और किस तरफ जाना, और उल्टा भाग गया, देखो उल्टा भाग गया फालतू, उस तरफ भागा वो, उसको लगा उसी तरफ सामान लाने का होगा, लेकिन यहाँ पर भाई मैं जाऊँगा इसके ऊपर से पूरा प्रो लोग की तरफ बॉल इमोट मार के, और एकदम आराम से भाई अपने जीतने का मैच है ये, लेकिन ये गेम वाला खराब करेगा जरूर गेम को भाई, मेरा गेम खराब करने का मतलब क्या मस्ती चढ़ती है पता नहीं, एकदम आराम से जाओ। उसने भाई ट्राई भी नहीं करा भाई, उसने वो वहीं पर घूम रहा है बस, वो पता नहीं ऐसे क्यों करा, देखो यहाँ पर रिस्पॉन की तरफ से आ गई है। लेकिन यहाँ पर चलो भाई मैं जीत गया अपना यहाँ पर एक और मैच भाई, पहली बार बार वाला मैच फाइनल में आया था और मैं जीत गया इसके अंदर भी भाई, इतना लंबा चल गया, ज़्यादा लंबा ना चले, और यार टाइल खत्म होने लगी इसके अंदर, बाकी चीज़ें टाइल तो है, लेकिन यहाँ पर है ना भाई लोग फालतू में भाई सारे ट्रैम्पोलिन यूज़ कर लिए लोग ने अभी, ऊपर ऊपर भी टाइल भाई अभी तक, मुझे लगा ऊपर की सारी टाइल खत्म हो गई यहाँ पर, लेकिन ट्रैम्पोलिन खत्म हो रहा है एक एक करके, देखो लोग भाई कितना ट्रैम्पोलिन यूज़ कर रहे हैं यार ये लोग, ऐसा लग रहा है ना लोग घूम फिर कर ट्रैम्पोलिन पर कूद रहे हैं फालतू का, देखो वहाँ पर वो भी कूद गया, अच्छा ट्रैम्पोलिन नहीं था वो सादा सादा टाइल थी बस, मुझे लगा ट्रैम्पोलिन उस तरफ भी, और देखने में अभी भी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने भाई अच्छे खासी यूज़ कर लिया अब तक का। और यहाँ पर पीछे दो है, सामने देखो दो दिख रहा है अपने को, और बाकी भाई नीचे नीचे का ट्रैम्पोलिन बचा है बस, ये लोग ने ऊपर ऊपर के सारे इस्तेमाल कर लिए, बस अपने को यहाँ पर जाना है इस तरफ अभी, वहाँ पर एक ट्रैम्पोलिन है, और वहाँ पर यहाँ अगर ट्रैम्पोलिन यूज़ करोगे ना तो हो सकता है मैं ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच जाऊँ, मतलब ऊपर ही जो टाइल खाली पड़ी थी, और कोई भी टाइल नहीं बचा भाई इधर, कोई भी टाइल नहीं बची यहाँ पर, मुझे लगा कोई ना कोई तो टाइल बची, और छह लोग यहाँ पर गिर चुके हैं, अकेला प्लेयर बचा है एक बस, वन वी वन यहाँ पर चालू है, देखते भाई कितना लंबा खेलता है वो। यहाँ पर मुझे देखता आके भाई पीछे यहाँ पर भाई जंप लगा लो इसके ऊपर से, आ जोड़ी मार के, और कहाँ पर जाना है भाई, चलो आगे जाना पड़ेगा अपने को। और यहाँ पर चलो भाई मैं जीत गया मैच को भी, चलो भाई यहाँ पर देखते हैं मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं भी, तो भाई मेरा यहाँ पर आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है बैटल ऑफ बनाना इवेंट का, जिसके अंदर भाई मैंने आपको बोला था कि मैं 1100 बैच जमा करूंगा इसके अंदर, और अभी मेरे पास इसके अंदर 1195 बैच जमा हो चुका है, तो मतलब मेरे इसमें 11 लेवल कंप्लीट हो गए अभी, और बस है ना मुझे इसके अंदर अभी कितना लगभग 1000 मेरे को बैच और चाहिए, तो यहाँ पर मेरा इवेंट खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, जिसको मैं कल की वीडियो में कंप्लीट कर लूंगा। तो भाई आज के वैसे अगर आपको अच्छा वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब मैं आपको मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।